नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलव्य और आप देख रहे हैं बात सच है। जिस तरह अमेरिका ने ह्यूस्टन में मौजूद चीनी वाणिज्य दूतावास को बंद करके जिनपिंग के हौसले डगमगाए हैं, अब भारत पर भी ऐसा सख्त कदम उठाने का दबाव बढ़ गया है। वैसे भी चीन पर आर्थिक प्रतिबंध लगाने की शुरुआत दुनिया में सबसे पहले भारत ने ही की थी, जब भारत ने 59 चाइनीज ऐप को बैन कर दिया था। साथ ही देश में विभिन्न ठेकों से जुड़ी चीनी कंपनियों को बाहर का रास्ता भी दिखाया था। इससे चीनी कंपनियों को 9,200 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था, जबकि 59 चीनी ऐप्स बैन होने से 8 बिलियन डॉलर की बड़ी चपत पड़ी है। भारत द्वारा चीन पर किए गए एक्शन के बाद दुनिया के अन्य देशों के हौसले भी बढ़े हैं। ब्रिटेन ने चीन की 5G कंपनी हुआवे पर एक्शन लिया तो अमेरिका भी खुलकर मैदान में आ गया। कल ही अमेरिका ने जासूसी के आरोपों के बाद चीन के वाणिज्य दूतावास को 72 घंटे में बंद करने का अल्टीमेटम दे दिया। इसके साथ ही भारत में भी यह मांग उठने लगी है कि चीन के कोलकाता स्थित वाणिज्य दूतावास को तत्काल बंद कर देना चाहिए। भारत के पास ऐसा करने के कई बड़े कारण भी मौजूद है। चीन इस दूतावास के माध्यम से नक्सलवाद को बढ़ावा देता रहा है। राष्ट्र राजनीति के कई ऐसे नेता है जो इस वाणिज्य दूतावास में अपनी हाजिरी लगाते रहे हैं। इनमें विपक्षी पार्टियों के कई नेता हैं जो चीन की तरफदारी के लिए मशहूर है। कहा तो यह भी जाता है कि यह दूतावास एक प्रकार से हवाला की भूमिका निभाता है। इसी दूतावास के द्वारा ही चीन अपने पिट्ठू नेताओं को पैसा उपलब्ध कराता रहा है। चौंकाने वाली बात यह है कि साल 2006 में मनमोहन सरकार ने कोलकाता में चीन को यह दूतावास खोलने की इजाजत दी थी। हैरानी की बात यह है कि 1962 में लासा में मौजूद भारत के वाणिज्य दूतावास को चीन ने बंद कर दिया था, पर बावजूद इसके भारत की पूर्ववर्ती सरकार ने कोलकाता में चीन का वाणिज्य दूतावास खोलने की अनुमति दे दी। यकीनन इसके पीछे कहीं ना कहीं राष्ट्रीय हितों को दरकिनार कर दिया गया। खास बात यह है कि चीन पूर्वोत्तर खासतौर पर सिलीगुड़ी कॉरिडोर को लेकर नापाक मंसूबे रखता है। डोकलाम की घटना से यह बात साबित भी हो चुकी है, मगर फिर भी चीन को किसी अन्य प्रांत की बजाय पूर्वोत्तर में ही बिठा दिया गया। अब मोदी सरकार के पास मौका है कि वे इस वाणिज्य दूतावास पर तत्काल ताले जड़ दें, क्योंकि चीन के यहां रहते नक्सलवादी घटनाओं में काफी तेजी आई है। भारत सरकार के बहुत प्रयासों के बाद भी हम नक्सलवाद जैसी समस्या का उन्मूलन नहीं कर पाए हैं। यूं भी यह बात बहुत पहले साफ हो चुकी है कि नक्सलियों को मिलने वाला धन और हथियार चीन से ही मिलते रहे हैं, मगर सरकार चीन पर एक्शन लेने से सदैव हिचकिचाती रही है। अमेरिका में इससे पहले चीन के 6 वाणिज्य दूतावास थे। ट्रंप प्रशासन ने अभी एक दूतावास को बंद करने का फरमान सुनाया है, पर चीन इसी से बिलबिलाया हुआ है। इससे चीन की साख को गहरा धक्का लगा है। साथ ही ट्रंप और भी बड़े कदम उठाने जा रहे हैं। इसमें यात्रा प्रतिबंध, पंजीकरण आवश्यकताएं और अमेरिका में चीनी नागरिकों की मौजूदगी कम करने की मंशा वाले कदम शामिल हैं। ट्रंप ने साफ कर दिया है कि अगर चीन अपना व्यवहार नहीं बदलता है तो और दूतावास को भी बंद किया जा सकता है। भारत में कोलकाता और मुंबई के चीनी दूतावास की गतिविधियां सदैव संदिग्ध रही हैं। महाराष्ट्र में मौजूद परमाणु रिसर्च से जुड़े संस्थानों की चीन लगातार जासूसी करता रहा है। इसके लिए चीन ने स्थानीय लोगों को अपना मोहरा बनाया है। साथ ही स्थानीय नेताओं तक से अपने मजबूत संपर्क स्थापित किए हैं। जब भी चीन की जासूसी की बात उठी, ये नेता पर्दे के पीछे से चीन के बचाव में उतर आए। साथ ही उन तत्वों को भी बचा लिया गया जिन्हें खुफिया एजेंसियों ने गिरफ्तार किया था। यानी पिछले कुछ सालों में चीन एक बड़ा नेटवर्क तैयार कर चुका है, जिसका संचालन यही वाणिज्य दूतावास कर रहे हैं। चीन की खुफिया एजेंसी MMS के लिए काम करने वाले 16 से अधिक जासूस एक साल के भीतर पकड़े जा चुके हैं, मगर इसके बावजूद भी भारत सरकार ने चीन के सामने आपत्ति दर्ज कराने तक में परहेज किया है। पर अब अमेरिका की बड़ी कार्रवाई के बाद भारत को मौका मिल गया कि वह उन चीनी वाणिज्य दूतावास पर कार्रवाई करे जिनकी भूमिका संदेशपद रही है। भारत को इतना खतरा बाहर से नहीं है जितना भीतर बैठे शत्रुओं से है। अन्य सरकारों ने तो चीन की तरफ से आंखें बंद कर रखी थी, मगर मोदी सरकार के पास एक्शन का बहाना भी है और अवसर भी मौजूद है, क्योंकि चीन को अधिक बर्दाश्त करने की ताकत न देश के पास है और न देश को चीन की जरूरत है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान जय किसान जय हिंद वंदे मातरम।